अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, दिस इज़ मोहम्मद शेब एंड वेलकम टू आवर चैनल रूमेज अकेडमी। आज हम लोग एक्सरसाइज नंबर 1.7 का पार्ट टू लेकर आए हैं, जो हम क्वेश्चन नंबर 7 से स्टार्ट करने जा रहे हैं। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 7 आपके पास लिखा हुआ है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ई की पावर एम एक्स माइनस ई की पावर एन एक्स डिवाइडेड बाई एक्स वेयर एक्स अप्रोचेज टू ज़ीरो। अब यहाँ पर एक नया फार्मूला जो है हम यूज़ करेंगे, जो कि ये है कि e की पावर डब्बा माइनस वन डिवाइडेड बाय डब्बा आफ्टर अप्लाइंग लिमिट ऑन दिस डब्बा ज़ीरो इट विल बिकम वन। ठीक है, कि जब कभी भी e की पावर डब्बा माइनस वन डिवाइड बाय डब्बा लिखा हो और वो डब्बा ज़ीरो को अप्रोच कर रहा हो, तो वो लिमिट अप्लाई करने पर क्या हो जाएगा, वन के इक्विवेलेंट हो जाएगा। ठीक है, ये e क्या है, इस e के बारे में आप लोगों को मैं थोड़ी सी इंफॉर्मेशन देता चलूँ। ये ई जो है वो यूलर्स एक मैथमेटिशियन थे, उन्होंने अपने नाम से जो है वो इसका नाम मंसूब कर दिया था। और इसे कहा जाता है यूलर्स नंबर। ठीक है, ये एक मैथमेटिकल कांस्टेंट होता है जो मैथ्स के अंदर इस्तेमाल होता है, जिसकी वैल्यू जो होती है ना वो तकरीबन होती है 2.718, इस तरीके की कोई वैल्यू होती है। इसको मुख्तलिफ जगह पर हम लोग इस्तेमाल करते हैं, ये लोगैरिथम के अंदर भी इस्तेमाल होता है, इसके अलावा ये कंपाउंड इंटरेस्ट सॉल्व करते हुए भी हम इस्तेमाल करते हैं, इसके अलावा ये कुछ बाइनोमियल एक्सपेंशन होते हैं उसके अंदर भी ये चीज़ हम यूज़ करते हैं। ठीक है, अच्छा जी, आइए सवाल को सॉल्व करते हैं हम। तो सवाल में लिखा हुआ है, अब हमें देखो ई की पावर एम एक्स है और डिवाइडेड बाई एक्स है, और यहाँ क्या e की पावर एन एक्स से डिवाइडेड बाई एक्स है, मतलब ये x दोनों तरफ है। तो अगर मैं नीचे भी वही पावर बना लूँ, वही वैल्यू बना लूँ जो ऊपर पावर में है, तो ये मेरे पास इक्विवेलेंट हो जाएगा किसके, वन के। ठीक है, इसके लिए मैं क्या करूँगा, सबसे पहले तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कि लिमिट, सॉल्व करते हैं हम इसको, x अप्रोचेस टू ज़ीरो e की पावर एम एक्स माइनस e की पावर एन एक्स डिवाइडेड बाय एक्स। ठीक है जी, आगे क्या होगा, अगर मैं इसे माइनस वन और प्लस वन में ब्रेक कर दूँ, अगर मैं इसे माइनस वन में और प्लस वन में ब्रेक कर दूँ, किस तरीके से, ये मैंने लिख दिया माइनस वन माइनस ई एन एक्स और प्लस वन, तो ये एक ही बात है, क्योंकि देखिए प्लस वन और माइनस वन कैंसिल हो जाएगा, तो मेरे पास ई एम एक्स माइनस ई एन एक्स बच जाएगा। ये सारी चीज़ें मैंने क्यों की है, ताकि ये फार्मूला मैं बना सकूँ। ठीक है जी, आगे चलते हैं, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ज़ीरो ई की पावर एम एक्स माइनस वन, अब देखिए इसको मैं कॉमन ले रहा हूँ ताकि ये फार्मूला इस पर भी अप्लाई हो सके, तो ये कॉमन लिया तो ई की पावर एम एक्स यहाँ आ जाएगा माइनस वन। ठीक है, और ये जो x है मैं इधर और इधर दोनों तरफ अलग अलग करके लिख लूँ, नेक्स्ट स्टेप में भी हो सकता था ये, लेकिन मैंने यहीं पर कर दिया। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, अब मेरे पास x तो आ गया, अब मेरे पास m नहीं है यहाँ पर, अगर यहाँ m हो जाएगा तो ये इक्विवेलेंट हो जाएगा वन के, और इसी तरीके से यहाँ पर n आ जाएगा तो ये इक्विवेलेंट हो जाएगा वन के, तो मैं मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कराऊँगा बोथ साइड पर m और n से। ठीक है, जैसे यहाँ पर मैंने मल्टीप्लाई कराया m से, तो ये हो गया ई एम एक्स माइनस वन, और डिवाइड भी करवा दिया किससे, एम से, एम एक्स। ठीक है, और यहाँ पर एन से मल्टीप्लाई कराऊँगा तो ये हो जाएगा ई एन एक्स माइनस वन डिवाइडेड बाय एन एक्स। ठीक है, अब देखें ये चीज़ तो इक्विवेलेंट हो गई हमारे पास वन के आफ्टर अप्लाइंग लिमिट, ये दोनों इक्विवेलेंट हो जाएगी हमारे पास वन पे, तो मैं यहाँ पर लिमिट अप्लाई कर रहा हूँ, अप्लाइंग लिमिट, तो जब मैंने लिमिट अप्लाई की तो ये हो जाएगा m इंटू वन माइनस n इंटू वन। ठीक है, और ये हमारे पास आंसर आ गया इसका m माइनस n रिक्वायर्ड आंसर। ठीक है, अच्छा जी, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 जो है हमारे पास वो है,
एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, अच्छा ये क्वेश्चन नंबर 8 मैं ज़रा बाद में कराऊंगा, इससे एक और ई वाला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9 पहले हम ये सॉल्व कर लेते हैं क्योंकि ये दोनों एक जैसे थे, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 8 थोड़ा सा हटके है इससे। तो क्वेश्चन नंबर 9 लिख लेते हैं हम, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 3 ई की पावर एक्स माइनस ई की पावर माइनस एक्स माइनस 2 डिवाइडेड बाय एक्स वेयर एक्स अप्रोचेस टू 0, ठीक है। अच्छा जी, अब इसमें भी देखें हमें यही करना है, हम सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं, हम लिखेंगे लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0, ठीक है, और इसको हम सॉल्व करते हैं। तो इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे, देखें यहाँ पे -3 ले रहा हूँ ताकि मैं 3 कॉमन लूँ तो बीच में 1 बच जाए और वही फार्मूला आ जाए, और ये -3 किया है तो उधर मुझे क्या करना पड़ेगा, +3। इस e की पावर माइनस एक्स से परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, ये समझ लें माइनस भी उस डब्बे में ही आ रहा है, ठीक है। तो अब मैं क्या कर रहा हूँ, अब मैं कॉमन ले रहा हूँ, यहाँ पर मैंने यहाँ पर 3 कॉमन लिया तो यहाँ क्या बच जाएगा, ई एक्स माइनस 1, ठीक है। देखा 3 मैंने कॉमन लिया तो 3 ई एक्स ज़ा 3 एक्स, 3 वन ज़ा 3, यहाँ पर मैंने माइनस कॉमन लिया, अच्छा ये -2 +3 हो जाएगा 1, ठीक है, +1 हो जाएगा +1, तो यहाँ पर मैंने माइनस जब कॉमन लिया तो ये हो जाएगा ई की पावर माइनस एक्स माइनस 1, ठीक है, डिवाइडेड बाय एक्स, सही। अब मैंने क्या करना है, अब मैंने इन दोनों के नीचे एक्स को अलग अलग करके लिख लेना है, ठीक है। तो मैं यहाँ लिखूँगा लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0 3 ई एक्स माइनस 1 ओवर एक्स माइनस ई की पावर माइनस एक्स माइनस 1 ओवर एक्स। अब देखें आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कि अब हमारे पास क्या रह गया, ये जो है पूरा इक्विवेलेंट हो जाएगा 1 के, और यहाँ पर भी ये इक्विवेलेंट हो जाएगा 1 के, क्योंकि देखिए ये माइनस है ना, ये माइनस है, ये यहाँ पर जो है इसके साथ भी क्या हो रहा है, माइनस लग रहा है, देखें ये इसके साथ तो है ही माइनस, लेकिन जब मैंने इस तरीके से जो है इस वैल्यू को लिख दिया है तो ये माइनस इसके साथ भी है, इसके साथ भी है। इन अदर वर्ड्स अगर मैं इसको इस तरीके से लिख लूँ तो ये चीज़ भी सही होगी, क्योंकि ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। हम इस तरीके से लिख लेते हैं ताकि फार्मूला अप्लाई करेंगे तो ये 1 के बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो हम लिखते हैं अप्लाइंग लिमिट, अप्लाइंग लिमिट, अब मैं लिमिट अप्लाई कर रहा हूँ तो देखें ये चीज़ हो जाएगी इक्विवेलेंट टू 1 जब मैंने यहाँ पर लिमिट अप्लाई की, ठीक है, और ये चीज़ हो जाएगी इक्विवेलेंट टू 1, ठीक है, और ये हो जाएगा 3 + 1 विल बी 4, दिस इज आवर रिक्वायर्ड आंसर, सही। चलिए जी आगे चलते हैं, अब हम क्वेश्चन नंबर 8 कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में एक अलग फॉर्मूला लग रहा है तो इसलिए मैंने वो उस वक्त नहीं करवाया। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू, क्वेश्चन नंबर 8 इज एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू 2 की पावर एक्स माइनस 1 डिवाइडेड बाय 3 की पावर एक्स माइनस 1 वेयर ए एक्स इज इक्वल्स टू 0, ठीक है जी। अब इसमें क्या हो रहा है, अब इसमें एक नया फार्मूला लग रहा है जो कि है, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कि जब कभी भी लिमिट जो है ए की क्या हो, एक्स की 0 हो, लिमिट जब कभी भी एक्स की 0 हो और यहाँ पर कोई कांस्टेंट नंबर हो और उसके ऊपर पावर 1 हो, यहाँ कोई कांस्टेंट नंबर हो और उसके ऊपर कांस्टेंट नंबर हो और उसके ऊपर पावर वेरिएबल हो और नीचे भी इस तरीके से हो वही पावर वेरिएबल जो है नीचे डिवाइड हो रहा हो, तो फिर ये बराबर हो जाता है एल एन ए के, इसके बराबर हो जाता है एल एन ए के। ये एल एन क्या है, ये एल एन जो है वो नेचुरल लॉगरिथम है, क्या है, नेचुरल लॉगरिथम, नेचुरल लॉगरिथम, ये आप लोगों ने मैट्रिक में किया होगा एक्सरसाइज 3 में, 3.6 में, 3.4 में, 3.5 में, कि हम ये एल एन जो है वो यूज़ करते हैं नेचुरल लॉगरिथम, ठीक है। तो आइए बाकी क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो अब देखें ये लिखा हुआ है, अगर मैं इसको इस तरीके से लिख दूं कि लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0
टू एक्स माइनस वन डिवाइडेड बाय थ्री एक्स माइनस वन। अब देखिए ये जो टू है ये ए है ना, एक कांस्टेंट टर्म है और एक्स वेरिएबल है, ठीक है। अब मुझे नीचे क्या करना है, डिवाइड करना है एक्स से ताकि ये एल एन के बराबर हो जाए। तो अगर मैं यहाँ पर डिवाइड करूँगा तो मुझे क्या करना पड़ेगा, दोनों तरफ करना पड़ेगा, मतलब ये एक्स से मल्टीप्लाई भी होगा और यहाँ पर डिवाइड भी होगा। इसी तरीके से यहाँ पर भी एक्स से मल्टीप्लाई भी होगा और एक्स से डिवाइड भी होगा, ठीक है। अब ये क्या हो गया, ये पूरी वैल्यू जो है किसके बराबर हो गई, एल एन ए के बराबर हो गई। किसके बराबर हो गई, एल एन ए के बराबर। तो अगर मैं इसको सॉल्व करूँ, अच्छा पहले मैं लिमिट अप्लाई करूँगा तब ये वन के बराबर होगा। तो मैंने इस पर लिमिट अप्लाई की, अप्लाइंग लिमिट, तो ये हो जाएगा एक्स एल एन ए, ठीक है। और अब मैं इसको डिवाइड में लिख देता हूँ, एक्स एल एन, ये क्या हो जाएगा, एल एन ए के बराबर, अच्छा एल एन टू है ना यहाँ पर, एल एन टू, और ये हो जाएगा एल एन थ्री। एक्स से एक्स कैंसिल, ये हमारे पास आ गया आंसर एल एन टू डिवाइडेड बाय एल एन थ्री, ये हो गया हमारा रिक्वायर्ड आंसर, सही। अच्छा जी, अब क्वेश्चन नंबर टेन है हमारे पास, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स डिवाइड बाई रूट वन माइनस कॉज एक्स वेयर एक्स अप्रोचेस टू जीरो। इसको हम सॉल्व करते हैं, हमें पता है वन माइनस कॉज एक्स बराबर होता है टू साइन स्क्वायर एक्स अपॉन टू के, तो हम इसकी जगह लिख देंगे टू साइन स्क्वायर एक्स अपॉन टू। तो ये हो जाएगा टू, अच्छा ये सब रूट में आएगा, साइन स्क्वायर एक्स अपॉन टू, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, ये स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, रूट जो है सिर्फ और सिर्फ टू पे बच जाएगा, तो टू हो जाएगा और इसका रूट जो है वो स्क्वायर के साथ ख़त्म हो गया, एक्स अपॉन टू बच गया, ठीक है। अब देखें, अब मेरे पास ये आ गया साइन डब्बा, वो जो फार्मूला हम यूज़ करते थे 1.6 में, क्या कि जब लिमिट जो है एक्स अप्रोचेस टू ज़ीरो हो तो साइन डब्बा अपॉन डब्बा बराबर हो जाता था वन के, ठीक है, याद है। तो यही चीज़ यहाँ पर बन रही है, साइन एक्स अपॉन टू, अगर मैं नीचे डिवाइड में एक्स अपॉन टू लेकर आ जाऊँ तो ये क्या हो जाएगा, इक्वलन टू वन हो जाएगा, सही। तो मैं क्या कर रहा हूँ, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ज़ीरो, ठीक है। अब मैंने क्या किया, सबसे पहले तो मैं एक्स से क्या करवा रहा हूँ, डिवाइड करवा रहा हूँ, क्या करवा रहा हूँ, डिवाइड करवा रहा हूँ, मतलब यहाँ पर मैं डिवाइड कराऊंगा और यहाँ पर भी करवाऊंगा। तो देखें, इससे ये वाला एक्स इससे ख़त्म हो जाएगा और ये वाला इससे ख़त्म हो जाएगा। जैसे मैं लिख देता हूँ पहले, मतलब ये एक स्टेप और करना पड़ेगा, फिर साइन एक्स अपॉन टू, ठीक है, डिवाइडेड बाय एक्स मल्टीप्लाई बाय एक्स, तो ये एक्स से ये वाला एक्स कैंसिल, सही है, और अब ये बच गया ये, ठीक है। इसके नीचे स्टेप आएगा नहीं, अच्छा यहाँ लिख देते हैं हम लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ज़ीरो, ठीक है। अब हमारे पास क्या बच गया, वन अपॉन रूट टू, सही, साइन एक्स अपॉन टू डिवाइडेड बाय, अब देखिए यहाँ पर अगर मैं टू डिवाइड में करवा दूँ तो ये क्या हो जाएगा, इक्वल इन टू वन हो जाएगा। तो मैं यहाँ पर डिवाइड करवा रहा हूँ वन अपॉन टू से और यहाँ मल्टीप्लाई भी करवाऊँगा किस से, वन अपॉन टू से, ठीक है, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कराया वन अपॉइंट टू से। तो अब ये वैल्यू हो गई हमारे पास किसके बराबर, वन के बराबर आफ्टर अप्लाइंग लिमिट। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ अप्लाइंग लिमिट, जब मैंने लिमिट अप्लाई की तो ये हो गया वन डिवाइडेड बाय रूट टू, ठीक है, इनटू वन मल्टीप्लाई बाय वन अपॉन टू, ठीक है। इसको सिंप्लीफाइड फॉर्म में मैं कैसे लिखूँगा, वन अपॉन रूट टू डिवाइडेड बाय टू, ठीक है, ये टू ऊपर चला जाएगा तो ये हो जाएगा टू डिवाइडेड बाय रूट टू। अब देखें, रूट टू जो है हम डिनोमिनेटर में नहीं लिखते, तो इसको मैं सिंपल जो है और किस तरीके से सॉल्व कर सकता हूँ कि इसको मैं मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करा दूँगा रूट टू से, ठीक है। तो ये हो जाएगा टू रूट टू डिवाइडेड बाय रूट टू का स्क्वायर, स्क्वायर से कैंसिल, तो हमारे पास आंसर आ गया टू रूट टू डिवाइडेड बाय टू, ठीक है, ये टू से ये टू कैंसिल, आंसर आ गया रूट टू, ठीक है। चलिए जी, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। अच्छा जी, अब ये क्वेश्चन नंबर 11 जो है आपका,
वो लिखा हुआ है एक्स फोर प्लस एक्स थ्री माइनस एक्स टू माइनस फाइव एक्स प्लस फोर डिवाइड बाई दस। अब इशू ये है कि ये सवाल सिर्फ लेंदी है बहुत ईजी, तो आपको ये सवाल ख़ुद से सॉल्व करना है। मैं आप लोगों को हैंड दे देता हूँ कि ये एक्स को जो है आपने सपोज कर लेना है कि ये बराबर है वन प्लस टी के, सही है, वेयर टी अप्रोचेस टू ज़ीरो। तो ये जब टी अप्रोचेस ज़ीरो हो जाएगा तो एक्स वन के बराबर हो जाएगा जैसे सवाल में लिखा है। अब जहाँ जहाँ यहाँ पर एक्स है वहाँ पर आप वन प्लस टी को पुट करोगे, और यहाँ पर जब वन प्लस टी का फोर आ जाएगा, वन प्लस टी का क्यूब आ जाएगा, वन प्लस टी का स्क्वायर आ जाएगा, इन सब के ऊपर फार्मूला लग जाएंगे ए प्लस बी वाले। एक दफ़ा ए प्लस बी फोर लगेगा, एक दफ़ा ए प्लस बी क्यूब लगेगा, एक दफ़ा ए प्लस बी स्क्वायर लगेगा, इस तरीके से नीचे लगेगा, और उसके बाद जो जो चीज़ें कैंसिल आउट हो रही होंगी उसको सिंप्लीफाई करके हमारा आंसर ये आ जाएगा। तो आप लोगों का ये ख़ुद से प्रैक्टिस करनी है, ठीक है, इस सवाल की, तो प्रैक्टिस योर सेल्फ, ठीक है। अगर कोई इशू हो तो आप लोग मुझे कॉमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 हमारे पास लिखा हुआ है कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स एम माइनस वन एक्स एन माइनस वन, ठीक है। आपको याद होगा ये हमने एक्सरसाइज नंबर 1.6 में क्वेश्चन नंबर 5 किया था इस तरीके से, लेकिन उसमें सिर्फ फ़र्क क्या था, उसमें लिखा हुआ था एक्स एन माइनस वन डिवाइडेड एक्स एन माइनस वन डिवाइडेड बाई एक्स माइनस वन, ठीक है, कुछ इस तरीके से ही सवाल था वो। तो हमारे पास जब हमने इसको सॉल्व किया था इन दोनों वैल्यूज़ को, तो हमारे पास जो आंसर आया था वो हमारे पास इसकी पावर आई थी n, हमारे पास इसकी आंसर की पावर क्या, इस क्वेश्चन की पावर आई थी n। वो याद होगा सीक्वेंस फार्मूला हमने लगा के इसको सॉल्व किया था। तो अगर आप लोगों ने वो नहीं देखी तो आप लोग एक्सरसाइज नंबर 1.6 सर्च कर सकते हैं, एक्सरसाइज 1.6 रोमेब्स एकेडमी लिखेंगे आप, क्वेश्चन नंबर 5 पहला ही पार्ट है उसका जिसमें ये क्वेश्चन सॉल्व हुआ है। तो जैसे आपने इसके ऊपर अप्लाई किया था तो आंसर आया था n, अब आप जब इन दोनों के ऊपर भी वही चीज़ अप्लाई करेंगे तो आपका आंसर क्या आएगा, m अपॉन n, क्या आएगा, m अपॉन n। तो बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, आपने ख़ुद से इस क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 13 है हमारे पास कुछ यूँ। अब इसमें देखें, अगर मैं लिमिट अप्लाई करता हूँ टू डायरेक्ट तो ये सब क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, नीचे जीरो आ जाएगा, इनफाइनाइट हो जाएगा, इसलिए पहले मुझे इसको सॉल्व करना पड़ेगा। सॉल्व करने के लिए इस किस्म के इक्वेशंस को आपको देख के याद आ जाना चाहिए कि ये हमने मैट्रिक क्लास में चैप्टर नंबर 5 फैक्टराइजेशन पढ़ा था, उसकी रिजेंबल करती इक्वेशन है। तो इसमें भी हम क्या करेंगे, दोनों इक्वेशंस के अंदर हम फैक्टराइजेशन करेंगे, क्या करेंगे, फैक्टराइजेशन। तो हम यहाँ लिख देते हैं लिमिट एक्स अप्रोचेस टू टू, देखिए जब हम ऊपर फैक्टराइज करेंगे मिडिल टर्म को 5x, तो ये किस में कन्वर्ट होगी, माइनस 2x माइनस 3x, ठीक है। उसके बाद नीचे आ जाओ आप लोग तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2 10 से 20, 2x माइनस 10x प्लस 20, ठीक है जी। फर्दर हम इसको सॉल्व करते हैं तो ऊपर क्या लेंगे हम, कॉमन एक्स, यहाँ आ जाएगा एक्स माइनस 2, और ये भी एज इट इज़ एक्स माइनस 2 आना चाहिए, इसके लिए यहाँ पर आ जाएगा माइनस 3, माइनस 3x इंटू 3x, 3 2 6, माइनस माइनस प्लस, ठीक है। और यहाँ पर आ जाएगा एक्स कॉमन, तो यहाँ पर भी एक्स माइनस 2, और यहाँ पर भी एक्स माइनस 2 आना चाहिए या क्या, और यहाँ पर आ जाएगा माइनस 10, 10x माइनस माइनस प्लस 10 2 20, ठीक है जी। अब हो जाएगा लिमिट x अप्रोचेस टू 2, हम x माइनस 2 को एक दफ़ा करके लिख देते हैं और x माइनस 3 को यहाँ लिख देते हैं, नीचे भी x माइनस 2 एक दफ़ा और x माइनस 10 एक दफ़ा, x माइनस 2 से x माइनस 2 यहाँ पर हो गया कैंसिल, हमारे पास बच गया लिमिट x अप्रोचेस टू 2 x माइनस 3 डिवाइडेड बाय x माइनस 10। अब हम यहाँ कर सकते हैं लिमिट अप्लाई, तो हम लिखेंगे अप्लाइंग लिमिट, अप्लाइंग लिमिट, जब हमने लिमिट अप्लाई की यहाँ पर तो x की जगह आ जाएगा 2 माइनस 3 डिवाइडेड बाई 2 माइनस 10, ठीक है, ये हो जाएगा 2 माइनस 3 माइनस 1 और ये हो जाएगा -8, सही, -8, ठीक है, माइनस से माइनस कैंसिल, ये हो गया 1/8, ये हो गया हमारा रिक्वायर्ड आंसर, सही है। चलिए जी आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ।
अच्छा डियर स्टूडेंट, अब देखें हम क्वेश्चन नंबर 14 में क्या करेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 में हमारे पास ये सवाल दिया हुआ है और हम इसको अकॉर्डिंग टू दिस एक्सपेंड कर लेंगे कुछ इस तरीके से कि लिमिट एक्स अप्रोचेस टू वन, वन अपॉन वन माइनस एक्स, और यहाँ आ जाएगा माइनस थ्री माइनस थ्री। और इसको उस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग अगर मैं खोलूँ तो मेरे पास कुछ ये बनेगा वन प्लस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर। ठीक है, आप लोग इसको जो है वो टैली कर लीजिएगा। आगे चलते हैं हम। अब देखिए यहाँ पर दोनों तरफ जो है वन माइनस एक्स कॉमन है, तो एलसीएम लेने से पहले मैं अगर इसको कॉमन ले लूँ तो मेरे पास और सिंप्लीफाइड फॉर्म आ जाएगी जो कि हो जाएगी वन माइनस थ्री अपॉन वन प्लस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये मेरे पास और सिंप्लीफिकेशन आ गई। अब मैं ले लेता हूँ इसका एलसीएम। जब मैं एलसीएम लूँगा यहाँ पर ये हो जाएगा, ये तो एज इट इज़ रहेगा। यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा वन प्लस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर, और ये हो जाएगा वन प्लस एक्स स्क्वायर माइनस थ्री। ठीक है, अब हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं मज़ीद। ये हो जाएगा वन अपॉन एज इट इज़। ठीक है, यहाँ पर आ जाएगा, इसको मैं अरेंज करके लिख रहा हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस टू। ठीक है, और नीचे वाली भी वैल्यू अरेंज करके लिख रहा हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन। ठीक है, अब ऊपर हम ले लेते हैं फैक्टराइजेशन, मतलब मिडिल टर्म ब्रेक करेंगे हम यहाँ पर। एक्स अप्रोचेस टू वन, तो वन अपॉन वन माइनस एक्स यहाँ पर ऐसे ही चलता वक्त चला आ रहा है, और यहाँ पर आ जाएगा एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा प्लस का टू एक्स और माइनस का एक्स, प्लस माइनस माइनस टू एक्स इन टू एक्स ये हो गया। ठीक है, डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन। मैं नीचे जो है वो कॉम क्या नाम है मिडिल टर्म ब्रेक नहीं कर रहा, क्योंकि इसकी एक वजह है, अभी आगे चल के नेक्स्ट स्टेप में पता चल जाएगा कि क्या वजह है। वन अपॉन वन माइनस एक्स। अच्छा, अब ये देखिए ये क्या बन चुका हमारे पास, एक्स एक्स प्लस टू। ठीक है, यहाँ पर भी एक्स प्लस टू, तो ये हो जाएगा माइनस का वन, वन एक्स ज़ा एक्स, माइनस प्लस माइनस, माइनस प्लस माइनस, वन टू ज़ा टू। ठीक है, डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन। ठीक है, आगे चलते हैं, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू वन, ये चीज़ एज इट इज़ आ गई हमारे पास, और यहाँ पर हमारे पास जो बन गया वो बन गया एक्स प्लस टू और एक्स माइनस वन। ठीक है, अब देखें मैं क्या कर रहा हूँ, इस एक्स माइनस वन को इससे कैंसिल आउट कर रहा हूँ, लेकिन इसको कैंसिल आउट करने से पहले मैं इसको x माइनस वन बना लेता हूँ। पहले x माइनस वन मैंने कैसे बनाया, माइनस वन से मल्टीप्लाई करके, माइनस से मल्टीप्लाई करके, तो ये x माइनस वन बन गया। ठीक है, यही वजह थी कि मैंने नीचे वाली टर्म को ब्रेक नहीं किया था, क्योंकि मुझे सिर्फ सिंप्लीफाइड फॉर्म चाहिए थी और सिंप्लीफिकेशन यहीं से हो रही थी, तो मैंने क्या किया, इसको इससे क्या कर दिया, कैंसिल आउट कर दिया। अब हमारे पास जो टर्म बच गई है वो बच गई है माइनस एक्स और माइनस टू। माइनस वन को जब मैं इसे पूरे से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये हो जाएगा लिमिट एक्स अप्रोचेस टू वन माइनस वन, और यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास एक्स प्लस टू डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन। ठीक है, अब आप लोग ये, मैं ज़रा इसको मिटा दूँ यहाँ पर। ठीक है, अब लास्ट स्टेप है हमारे पास। लास्ट स्टेप में क्या करेंगे हम, यहाँ पर लिमिट अप्लाई करेंगे। जैसे ही हमने यहाँ पर लिमिट अप्लाई की, अप्लाइंग लिमिट, हम लिमिट अप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास माइनस वन एज इट इज़। यहाँ पर हो जाएगा वन प्लस टू डिवाइडेड बाय वन का स्क्वायर प्लस वन प्लस वन। ठीक है, ये माइनस वन, और ये हो जाएगा हमारे पास थ्री, और ये भी हो जाएगा हमारे पास थ्री। थ्री से थ्री हो गया कैंसिल, हमारे पास आंसर आ गया माइनस वन। ठीक है, अच्छा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास टेन एक्स माइनस साइन एक्स डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर एक्स अप्रोचेस टू ज़ीरो। इसको भी हम सॉल्व करते हैं, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ज़ीरो। यहाँ देखें मैं वन अपॉन एक्स कॉमन ले रहा हूँ, और यहाँ आ जाएगा टेन एक्स माइनस साइन एक्स। ठीक है,
अब टेन एक्स का आपको पता है किसके बराबर होता है टेन एक्स? टेन एक्स बराबर होता है हमारे पास साइन अपॉन कॉस एक्स के, तो मैं टेन एक्स की जगह लिख दूंगा साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स। ठीक है, अब यहाँ पर मैं साइन एक्स भी कॉमन ले लेता हूँ ताकि मेरे पास एक फॉर्मूला लग जाए साइन डब्बा अपॉन डब्बा वाला जब मैं लिमिट अप्लाई करूँ यहाँ पर। अब यहाँ से तो हमारी जान छूट गई, यहाँ बच गया वन माइनस कॉस एक्स माइनस वन। ठीक है, यहाँ हम लेंगे एलसीएम, इसको ऐसे ही लिख देंगे, ये हो जाएगा हमारे पास कॉस एक्स और यहाँ आ जाएगा वन माइनस कॉस एक्स। ठीक है, यहाँ अब मैं कर रहा हूँ लिमिट अप्लाई, अप्लाइंग लिमिट, क्योंकि मज़ीद अब सिंप्लीफाई नहीं हो सकता। जैसे ही मैं लिमिट अप्लाई करूँगा तो ये साइन एक्स अपॉन एक्स का फॉर्मूला लगेगा, यहाँ पर हो जाएगा वन और ये हो जाएगा वन माइनस कॉस ज़ीरो डिवाइडेड बाय कॉस ज़ीरो। कॉस ज़ीरो हमारे पास होता है वन के बराबर, तो यहाँ आ जाएगा वन माइनस वन डिवाइडेड बाय वन। सही, तो ये हो जाएगा वन अपॉन ज़ीरो वन, अब ये ज़ीरो से मल्टीप्लाई डिवाइड हो जो भी तो वो ज़ीरो आता है आंसर, तो आंसर आ गया हमारे पास ज़ीरो। तो इसी के साथ जो है हमारी ये वीडियो ख़त्म होती है। अब हमारे पास रह गया है क्वेश्चन नंबर 16 एंड 17। बेसिकली क्वेश्चन नंबर 16 और 17 जो है अलग से पार्ट बनाने का इसका मकसद ही यही है कि उसके अंदर ना पार्ट्स हैं और फिर मैं उसमें देख लूँगा कि कौन से पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, तो हम वो वाले पार्ट्स यहाँ पर कर लेंगे, बाकी के सवाल जो है आपकी प्रैक्टिस के लिए मैं छोड़ दूँगा। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।